हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल अक्षवर ब्लॉग। और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। ये है कच्चे आम, और ये है जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन और राई, और ये है गुड़। और मैं आपके साथ आज एक आम, कच्चे आम की और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाते हैं वो शेयर करूँगी। ये मैंने ले लिया है ऑयल, इसमें डाला है ये सब मसाले, और फिर कच्चा आम डाल दिया है, और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर कुछ थोड़ा सा पानी डालकर उसको थोड़ी देर पकाएंगे, और 5-10 मिनट के बाद उसमें गुड़ भी ऐड कर देंगे। फिर इसको भी अच्छे से चलाएंगे और इसको भी थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ये आम सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। फिर इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर ये लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये मैंने कच्चे आम के साथ इसकी गुठलियाँ भी डाल दी थी, ये भी बहुत टेस्टी होती हैं खाने में। और इसको फिर ढककर कुछ देर पकाएंगे, और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो गया इसका। आम बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और गुड़ भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, और बस यही टेक्सचर हमें चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये चटनी ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी ना, तो इतना ही हम इसको रखेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही रखेंगे हम। और ये सर्विंग बोल में मैंने निकाल लिया है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर स्टोर करके बाद में भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम को आप खाने के साथ खा सकते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी।